वेणुरम्मा जी नमस्ते। नमस्ते सर। मुझे बताया गया है कि आपने अपने हौसले और मेहनत से बंजर जमीन को ही और उसमें ही आपने फसल उगा दी। ये आपने कैसे किया, मैं समझता हूं कि देश भर के किसानों को ये आपका अनुभव बहुत काम आएगा और वे भी जरूर आपकी बातें सुनना चाहेंगे, तो बताइए वेणुरम्मा जी। नमस्ते सर, ना पेरन्नरम्मा, मी तो माटाडे की नाकु चाला संतोषंगा उंदी सर। नाकु गवर्नमेंट 4 एकराल इच्चिंदी सर, गवर्नमेंट असैन ल्यांड भूमि 4 एकराल इच्चिंदी, अदी 17 नुंचि बंजर भूमि सर, आ भूमिनि प्रकृति व्यवसायं लागा मार्चुकुन्नारु सर। नमस्कार सर, मेरा नाम वन्नूरम्मा है, मेरे को राष्ट्र सरकार वालों ने एससी असाइन लैंड 4 एकड़ जमीन दी है सर। वो तो पिछले 10 वर्ष से वो बंजर जमीन है, सूखा खेत है सर। दांटो 2 एकड़ प्रकृति व्यवसाय सर, प्रकृति व्यवसाय नैन एकरा के मूड पंटल पंडा सर, नवधाया वेरचन मूड पंटल के कल నాకు పెట్టుబడి వచ్చేసి 27,000 అయింది, ఒక ఎకరాకు వచ్చి 1,07,000 లాభం వచ్చింది సార్। ఎందుకంటే మాకు ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయం ఎందుకు చేశామంటే మాకు వర్షపాతం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మార్చుకుంటూ మేము ఈ భూమి డెవలప్మెంట్ చేసుకున్నాం సార్। సార్, మీకు 4 ఎకరాల జమీన్ హై, సుక్కా జమీన్ హై సార్, పానీ బహుత్ కమ్ గిర్తా హై, ఉస్మే మై ఓ బంజర్ జమీన్ కో మై ఠీక్ కర్కే పిచ్లే 2-3 వర్ష్ సే మై 2 ఎకర్ జమీన్ మే మై ప్రకృతిక్ వ్యవసాయ కర్తీ హూ। तो प्राकृतिक व्यवसाय में मैं 3 फसल निकाल लेती हूँ सर, उसी प्रकार से मैं प्राकृतिक व्यवसाय में आगे बढ़ाती जाती हूँ सर। आपके वाणी में अनुभव दिखता है, क्योंकि आप बिल्कुल रुके बिना सुपर फास्ट की तरह अपना रूप बराबर बता रही हो। उसका कारण है कि आपका खुद का अनुभव ये बोल रहा है और इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास से आप बोल रही हैं। मुझे लगता है यही आत्मविश्वास के कारण आपने ये बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। और मुझे बताया गया कि अब आप अकेली नहीं, कई हमारी आदिवासी बहनों को भी, आदिवासी किसान बहनों को भी आप इसमें जुड़ चुकी हैं। अब आप लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं? आदिवासी महिला मेरे विधंगा शिक्षणचारु ये विधंगा सर, नहीं ना वो कैसी ओंटर महिला सर, నాకు పక్కన తాండానింది సార్, ఆ దాంట్లో 170 మంది గిరిజన మహిళలు ఉన్నారు సార్ మా వాళ్ళకి। నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం నేను ఎట్లా చేశానో వాళ్ళకని అట్లే నేర్పించి వాళ్ళకని ప్రకృతి వ్యవసాయం నేర్పించే దిశలో తీసుకుపోయినాను సార్। సార్, మైం తో ఏక ఆదివాసీ మహిళా హూ సార్, మైం అకేలీ మహిళా హూ, तो मेरे बगल वाले गांव में 170 लोग आदिवासी महिलाएं हैं, उनको समूह के माध्यम से मैं किस प्रकार से मैं प्रशिक्षण लेके इनको प्राकृतिक व्यवसाय करती हूँ, उसी प्रकार उन सभी लोगों को भी प्राकृतिक व्यवसाय किस प्रकार से करना है मैं उनको सूचना देती हूँ सर। वेणुरम्मा जी, मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा आपका ये सारा काम और मुझे विश्वास है कि देश के किसानों के लिए भी इस प्रकार से आत्मविश्वास पैदा करने वाले आपका अनुभव है। जब इंसान ठान लेता है तो वो क्या कर सकता है, इसका आपने जीता जागता उदाहरण पेश किया है। और प्राकृतिक खेती से हमारी आदिवासी माताएं बहनें महिला किसानों को जोड़ने का प्रयास भी ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इस प्रयास के लिए आपको और सभी महिला किसानों को आदरपूर्वक नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।